दोस्तों आपने अभी तक मामी हॉरर स्टोरी के पहली पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगा। शॉन स्कूटी से उतर के गाड़ी के पीछे जाने लगा। अभी शॉन को सतर्क रहना पड़ेगा, वरना शॉन को मामी ने पकड़ के खा जाएगा। शॉन जाके देखता है कि मामी वो ड्राइवर को बुरी तरीके से मार के खा रहे थे और वो ड्राइवर दर्द से तड़प रहे थे। कुछ देर में वो ड्राइवर मर जाते हैं और मामी उसे खाना बंद कर देते हैं। मामी ड्राइवर को मारने के बाद यह वह देख रहे थे। अभी शॉन को सूप जाना चाहिए, वरना शॉन को मामी ने देख लेगा। अरे ये किया, लगता है शॉन को मामी ने देख लिया है। तभी शॉन सूपने के लिए गाड़ी के आगे की ओर जाने लगते हैं। शॉन आके गाड़ी के सामने सूप जाते हैं ताकि मामी उसे ना दिखे। इधर मामी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के सामने की ओर आने लगते हैं। लगते है शॉन आप पकड़ा जाएगा। अरे ये किया, शॉन कहाँ चला गया? मामी आगे आके देखता है कि शॉन वहां पर नहीं है। तभी मामी गाड़ी के साइड की ओर जाने लगा। गाड़ी के साइड में आने के बाद भी मामी को शॉन नहीं मिला। तभी मामी गाड़ी के पीछे जाने लगा। मामी गाड़ी के पीछे जाके देखता है कि शॉन गाड़ी के पीछे से आगे की ओर जा रही है। तभी मामी भी गाड़ी के पीछे से आगे की ओर जाने लगते हैं। शॉन जब देखते हैं कि मामी उसके करीब आने वाले हैं, तभी शॉन अपने जाने की स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि मामी उसे पकड़ ना पाए। मामी इस बार भी देखते हैं कि शॉन आगे नहीं है। ये देख के मामी को गुस्सा आने लगते हैं। तभी मामी जोर जोर से शॉन के पीछा करने लगते हैं। ऐसे ही भाग दौड़ कुछ देर चलता रहा, लेकिन मामी शॉन को पकड़ नहीं पाया। मामी भागना बंद कर देते और कुछ देर सोचते रहते हैं। मामी सोचता है कि ऐसे शॉन को वो पकड़ नहीं पाएगा, उसे कुछ और ही करना पड़ेगा। फिर मामी पलटा और उल्टा भागने लगा। लगता है मामी इस बार शॉन को पकड़ पाएगा। अरे ये किया, अभी शॉन और मामी एक दूसरे के सामने है, अभी शॉन को क्या होगा? तभी शॉन भी उल्टा भागने लगते हैं। मामी इस बार भी शॉन को पकड़ नहीं पाया। मामी के प्लान कामयाब नहीं हुआ। तभी मामी के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। मामी अपने प्लान के हिसाब से नीचे झुका और गाड़ी के नीचे सूप गया ताकि नीचे से मामी शॉन को अपने नजरों में रख सके। शॉन आगे आके देखता है कि मामी नहीं है। तभी शॉन सोचता है मामी शायद पीछे से आएगा। फिर शॉन पीछे से जाने लगा। तभी भी शॉन मामी को नहीं देख पाया। शॉन सोचता है मामी शायद चला गया, लेकिन शॉन को पता नहीं है कि मामी गाड़ी के नीचे छुपे हुए है और वो मामी कभी भी शॉन को पकड़ सकते हैं। तभी मामी नीचे से शॉन के पैर पकड़ते हैं और शॉन को नीचे की ओर खींचने लगते हैं। लगता है शॉन के मौत के वक्त आ गए। मामी शॉन को जोर जोर से खींच रहे होते और शॉन इधर गाड़ी को पकड़ रहे होते, लेकिन शॉन इसी तरह ज्यादा देर नहीं रह सकते क्योंकि शॉन के हाथों में चोट लग रहे थे। मामी शॉन को खींचने के बावजूद भी शॉन नहीं आ रहे थे। तभी मामी शॉन को जोर जोर से खींचते हैं। मामी के जोर से खींचने के वजह से शॉन गाड़ी के नीचे जाके पूछता है अभी मामी शॉन को कच्चा खा जाएगी। लेकिन गाड़ी के नीचे मामी को दिक्कत हो रहे थे। तभी मामी शॉन को पकड़ के गाड़ी के नीचे से बाहर जाने लगते हैं। मामी बाहर आके शॉन को सोर के खड़ा होने लगते हैं। तभी शॉन मौका पाके मामी के घंटी बजा देते हैं और वह से उठने भागने लगते हैं। लेकिन शॉन को पता नहीं है कि इस मामी के कोई भी हिस्से में कोई जान नहीं है, तो दर्द कैसा। मामी को शॉन से मार खाने से बहुत बुरा लग रहा था। तभी मामी सलांग मार के शॉन के ऊपर खुद जाते हैं। मामी को शॉन के ऊपर खुदने से शॉन गिर जाते हैं और मामी शॉन के ऊपर बैठ जाते हैं। मामी शॉन के ऊपर बैठने के बाद थोड़ा झुकता है और शॉन को डराने लगते हैं। लगता है मामी इस बार शॉन को खा जाएगी।
तो दोस्तों, शॉन क्या बच पाएगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।